सो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपके मोबाइल के चार ऐसे सेटिंग जिस पे आप ध्यान नहीं रखते हो, जिनको आप बंद करके यदि नहीं रखते हो तो आपका मोबाइल हैक हो सकता है। आपके मोबाइल की कॉल डिटेल, आपके मोबाइल के SMS, उसको कोई भी एप्लीकेशन रीड कर सकती है और उसके बाद जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके पास जा सकती है और आपका जो मोबाइल है वो कंप्लीट रूप से हैक हो सकता है। इसलिए दोस्तों मैं कहूँगा इन चारों सेटिंग को थोड़ा इस वीडियो को देख के ध्यान से समझना, इन चारों सेटिंग का मतलब क्या है, कैसे कैसे बंद करनी है और क्या कुछ है इन सेटिंग के अंदर। ओके, इसलिए मैं कहूँगा इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों के पास शेयर करना। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबा लेना, जिससे कि आपको हमारे सभी यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप कुछ नया नया सीखते रहे अपने मोबाइल को लेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके मोबाइल के चार ऐसे सेटिंग, यदि आप इनको टाइम पर बंद नहीं करते हो, इनके बारे में ध्यान नहीं देते हो कि ये है क्या, तो इस कंडीशन को लेकर ही बहुत लोगों की समस्या आती है कि हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया, हमारे पास एक मैसेज आया था उसको किसी और ने रीड कर लिया, हमारा बैंक अकाउंट हैक हो गया। बैंक अकाउंट तक भी दोस्तों हैक हो जाता है यदि आप इन चार जो ये सेटिंग है इन पर ध्यान नहीं देते हो अपने मोबाइल के अंदर। ओके, क्योंकि दोस्तों एंड्रॉयड मोबाइल यदि आप लोग यूज कर रहे हो तो इसमें बहुत सारे पॉजिटिव फंक्शन है, बहुत सारे नेगेटिव फंक्शन है, लेकिन है सभी आपके फैसिलिटी को लेकर। लेकिन एंड्रॉयड ने अपने सेफ्टी में ये टर्म एंड कंडीशन में ये साफ लिखा हुआ है कि जो हमारे फंक्शन हैं ये हम आपके यूज करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी मिसयूज कर सकता है। इसलिए आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप एंड्रॉयड को किस तरीके से यूज करते हो अपने एंड पर। ओके, इसलिए दोस्तों मैं कहूँगा इन चारों सेटिंग को थोड़ा ध्यान से समझना। अब पहले सेटिंग की बात करते हैं। ओके दोस्तों, पहले सेटिंग क्या है जिस पे आप लोग ध्यान नहीं देते हो, सबसे पहले ध्यान से समझना। ओके, सेटिंग क्या है थोड़ा अब समझना। जैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाते हो, इस तरीके से आप सेटिंग में आ गए यहाँ पर, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर सकते हो ऊपर के साइड, या फिर आप दोस्तों एक काम करेंगे, आप चले जाएंगे अपने मोबाइल की सिक्योरिटी सेटिंग में। ओके, आपके मोबाइल में एक ऑप्शन रहता है सिक्योरिटी का। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे मोबाइल में ऑप्शन है प्राइवेसी के नाम से, यहाँ पर आपके मोबाइल में सिक्योरिटी के नाम से हो सकता है। प्राइवेसी के नाम ऑप्शन पर हम गए, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों परमिशन मैनेजर का, या तो आप यहाँ से निकाल लेंगे परमिशन मैनेजर। ओके, सिक्योरिटी या फिर प्राइवेसी वाले सेटिंग में जाकर, या फिर आप एक काम करेंगे, ऐप्स वाली एक सेटिंग रहती है, ऐप्स वाले सेटिंग में जाएंगे। ऐप्स वाले सेटिंग में जाकर यहाँ पर थ्री डॉट रहते हैं ऊपर की साइड, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा परमिशन मैनेजर का। परमिशन मैनेजर पर आप जो है चले जाएंगे। अब दोस्तों तीन सेटिंग आपको यहाँ पर करनी है और जो लास्ट की चार सेटिंग है वो आपको हर एक एप्लीकेशन पर ध्यान से करनी है। ओके, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चार नंबर की सेटिंग, उसको जरूर समझ के जाना। अब यहाँ पर आपको तीन सेटिंग करनी है परमिशन मैनेजर पर आने के बाद। अब पहले सेटिंग क्या है, सबसे नीचे जाएंगे। सबसे नीचे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है सबसे नीचे से ऊपर के साइड, टेलीफोन का। ओके, यदि आप टेलीफोन वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ओके, तो यहाँ पर ये जो सेटिंग है इस तरीके से ओपन होगी, जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी सभी ऐप दिखाई जाएगी। सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हो, ऐप विद दिस परमिशन कैन मेक एंड मैनेज फोन कॉल्स। ओके, यानी कि ये जो एप्लीकेशन है ये आपके फोन की कॉल को मैनेज कर सकती है, उसको रिकॉर्ड भी कर सकती है, उसको रीड भी कर सकती है, ये अपने एंड पर कॉल भी कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आपके मोबाइल में ऐसी ट्रस्टेबल एंड कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए जो कि इस परमिशन को अलाउ आपने किया हुआ हो। ओके, जैसे मेरे मोबाइल में है, सबसे पहली ऐप है अडेप्ट साउंड, ये एक नॉर्मल ऐप है, इसको आप परमिशन दे सकते हो। भीम ऐप है, ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च है, इसको आप परमिशन दे सकते हो। कॉन्टैक्ट ऐप है, ये खुद सैमसंग की, जो मेरा मोबाइल सैमसंग का है, इसकी खुद की ऐप है, इसको मैं परमिशन दे सकता हूँ। धनी ऐप है, ये एक ट्रस्टेबल है। डियो है, फेसबुक है, ये सभी ट्रस्टेबल ऐप है। गूगल प्ले स्टोर है, ट्रस्टेबल है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक ऐप है यहाँ पर ट्रूकॉलर आ गया। भाई ट्रू कॉलर पर हम विश्वास नहीं करते, बस इसके फीचर यूज करते हैं विदाउट परमिशन। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो मैं यहाँ पर ट्रू कॉलर पर गया, आप यहाँ पर देख सकते हो ये अलाउ हो रखी है, तो मैं इसको यहाँ पर डिनाय ही कर दूंगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पर अनट्रस्टेबल एप्लीकेशन हो, जैसे कि यहाँ पर एक ऐप हो रहा है, ये होमिन गोज मैजिक है कोई ऐप। ओके, इसको मैंने डिनाय किया हुआ है पहले से ही। तो यहाँ पर कोई भी ऐप ऐसी ना हो जिसके बारे में आपको ना पता हो कि इसने मेरे
टेलीफोन की जो परमिशन है उसको जो है ले रखा हो, तो इस पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरी सेटिंग है वो आपको क्या करनी है, SMS वाली। पहली है कॉल वाली, सेकंड है SMS वाली। SMS वाली परमिशन पर यहाँ पर आप जाएंगे, ओके। यहाँ पर भी आपके सारे एप्लीकेशन आएगी, सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ आपको जो है दिखाई दे जाएगा, ऐप विद दिस परमिशन कैन सेंड एंड व्यू SMS मैसेज। मतलब जो ये सभी एप्लीकेशन है ये आपके मोबाइल से SMS भी सेंड कर सकती है कहीं भी, और उसको रीड भी कर सकती है। मान लीजिए कल आपका बैंक का OTP आता है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में यहाँ पर लिस्टेड है, तो वो तो भाई आपका OTP रीड कर लेगी, और उनका काम ही यही है आपके मोबाइल में जो है एप्लीकेशन डालकर OTP रीड कराना, तो फिर आप तो कहीं के नहीं रहेंगे, है ना। इसलिए आपको यहाँ पर कोई ऐसी एप्लीकेशन ना हो जो आपके मतलब कि नॉलेज में ना हो कि मैंने इसको SMS की परमिशन दे रखी है। जहाँ पर यदि मैं एक एग्जांपल लूँ, यहाँ पर मैं ट्रू कॉलर का ये एग्जांपल लूँगा, ट्रू कॉलर पर मैं जाता हूँ और आप देख सकते हो मैंने पहले से इसको डिनाई किया हुआ है, ओके, मैंने इसको परमिशन नहीं दे रखा है, ओके। तो यहाँ पर हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कोई ऐप ना हो जो आपकी SMS परमिशन को जो है एक्टिवेट किया हुआ आपने अपने मोबाइल में और वो आपकी SMS को रीड कर रही हो, ओके। तो दूसरी सेटिंग दोस्तों ये थी। अब यहाँ पर जो तीसरी सेटिंग है जो सबसे मेन है दोस्तों, वो है कॉल लॉग्स। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर से 30 नंबर पर कॉल लॉग्स का एक ऑप्शन है, कॉल लॉग्स में जाएंगे। अब दोस्तों होता क्या है, मान लिया कि आपने आज पूरे दिन में 100 आदमी को कॉल किया है, ओके। तो ये जितने भी एप्लीकेशन है इनके पास उसका डेटा चला जाएगा कि आपने 100 आदमी को आज कॉल किया, उसको ये रिकॉर्ड भी कर सकते हैं आपकी जो आपकी कॉल होगी, और उसको रीड भी कर सकती है, और उस जिस पर आपने फ़ोन किया उस कॉन्टैक्ट नंबर पर, उस पर ये अपने हिसाब से एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ भी लिंक या फिर कुछ भी मैसेज कर सकती है, क्योंकि आपने इनको परमिशन दे रखी है रीड करने की। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो। इसलिए यहाँ पर भी कोई ऐसी ऐप ना हो जिसका आपको ना पता हो कि ये ट्रस्टेबल नहीं है। जैसे मेरे मोबाइल में सभी ऐप ट्रस्टेबल है, कॉन्टैक्ट है, डू ऐप है, गूगल है, मैसेज है, माई जियो है, फ़ोन है, स्मार्ट स्विच है, टेलीग्राम को भी मैं जो है ट्रस्टेबल मानता हूँ, फ़ोन ऐप है गूगल की, ओके, इसको भी ट्रस्टेबल मानता हूँ, उसके बारे में आगे एक वीडियो बना दूंगा ये क्या है। अब यहाँ पर भी घूम फिर कर बात आती है ट्रू कॉलर पर, ट्रू कॉलर को मैं ट्रस्टेबल नहीं मानता हूँ, इसलिए मैंने इसको डिनाई किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। तो इस तरह की आपसे आपको सावधान रहना है, ओके। तो तीन सेटिंग तो आपको यहाँ पर करनी है परमिशन मैनेजर में, ओके। अब जो चार नंबर की सेटिंग है जिसकी मैं आपके जो है आपको बोल रहा था कि वीडियो के लास्ट में देखना है आपको ध्यान से, वो क्या है थोड़ा ध्यान से समझना, ओके। इसके लिए दोस्तों आपको पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन पर जाना होगा, ओके। जैसे कि यहाँ पर आपके सभी के मोबाइल में एक सेटिंग रहती है ऐप्स के नाम से, ऐप्स मैनेजर पर आप जाएंगे, ओके। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन ले लेता हूँ, व्हाट्सएप, ओके। यहाँ पर यह ऐप आ चुकी है व्हाट्सएप, मैं व्हाट्सएप पर गया। अब दोस्तों व्हाट्सएप जो है मेरी किन किन परमिशन को जो है एक्टिवेट किया हुआ है मोबाइल के अंदर, यानी कि मैंने व्हाट्सएप को कौन कौन सी परमिशन जो है दे रखी है, उसको मैं यहाँ पर परमिशन पे जाऊँगा, ओके। परमिशन पर जाने के बाद अब दोस्तों एक सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ही सबसे नीचे आ रहा है डिनाइड लिखा हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कॉल लॉग और SMS को डिनाइड किया हुआ है, ओके, व्हाट्सएप को लेकर। अब व्हाट्सएप का मतलब इंटरनेट से है, ओके। यदि हमारे मोबाइल में इंटरनेट भी नहीं चल रहा है तो वो कॉल लॉग और SMS को रीड कर लेगा यदि मैं इसको डिनाइड नहीं करूँगा, ओके। तो ऐसी फेसबुक भी हो सकती है, अमेजोन भी हो सकती है, फ्लिपकार्ट भी हो सकती है। तो जितने भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है जाकर चेक कीजिए कि कॉल लॉग्स और SMS की परमिशन आपने किसको दे रखी है, ओके। तो यहाँ पर वो ऊपर की साइड लिस्ट में आएगी अलाउड वाले ऑप्शन में, यहाँ पर ये आ रही है डिनाइड वाले ऑप्शन में। तो यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे डिनाई किया हुआ है, अलाउ नहीं किया हुआ है, तो आपको डिनाई करना है इसको, ओके। ऐसे ही मैंने इसको SMS वाली परमिशन को भी डिनाई किया हुआ है, क्योंकि व्हाट्सएप इंटरनेट पर चलता है तो हमारी जो बेसिकली सिम की सर्विस है कॉल की और SMS की, उसको हम इसको नहीं दे सकते, ओके, क्योंकि रीड कर लेगा। तो ये आपको हर एक एप्लीकेशन पर जाकर जो है चेक करना है, इसी तरीके से जितने भी आपके मोबाइल में यहाँ पर ये ऐप है एक एक का आपको चेक कर लेना है, ओके। अब दोस्तों यदि आप चाहते हो कि इसका आप एक शॉर्ट मेथड जानना चाहते हो जहाँ पर आपको कोई भी कुछ ना करना पड़े, केवल एक छोटी सी ट्रिक लगानी हो और वहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाएगी कौन सी एप्लीकेशन कौन सी परमिशन ले रही है, यदि आप वो जानना चाहते हो तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, ओके। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी, ऐसा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना। तो यही था इस वीडियो में, नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।